हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हो। यूनिवर्स से मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको ज़रूर मिले। वेल, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा वॉट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एक्चुअली में आपको यहाँ पे ये पता चलने वाला है कि वॉट इज़ द एक्साइटिंग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में ये जो नेक्स्ट चैप्टर जब ओपन होगा, जब नए डोर की ओपनिंग होगी, तो आपके लाइफ में किस तरीके से एक्साइटमेंट आ रहा है, किस तरीके से डिवाइन गाइडेंस आपको देना चाहते हैं और आपके लिए कुछ नर्चरिंग एंड इंकरेजिंग मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ। क्योंकि मुझे डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्यूशन आया है कि आपके लिए रीडिंग बनाना चाहिए और ये रीडिंग बहुत डिफरेंट है। वॉट इज़ द एक्साइटिंग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, किस चीज़ से आपको वॉन्ट रहना चाहिए, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स है, सरप्राइजेस है, गुड न्यूज़ है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी का अगला पड़ाव क्या होगा, जिसमें कि आपको नर्चरिंग एंड सरप्राइजिंग मैसेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानने की, और आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में देखेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपका लव लाइफ, करियर, मैरिज, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ डिटेल में कवर होगी यहाँ पे इस रीडिंग में। ठीक है, सो देर किस बात की, जल्दी से फैमिली बन के अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, है ना। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल है, तो मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली जीमेल पे, या फिर आप इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक भी है तो उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीडिंग आपकी ये टाइमलेस होगी, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी का पूरा हक बनता है कि आप रीडिंग को देखें। ठीक है, 11-11 लाइक लिख के टाइप करके जो है आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, अलाइन हो सकते हैं और शेयर कर दीजिए रीडिंग, क्योंकि हो सकता है आपके अगल बगल भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है तो उनको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी। तो आप खुद भी देखिए, एक से ज़्यादा पाइल देख सकते हैं, दो देख सकते हैं, तीनों देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे मैं अब आपको बताऊँगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है वो है परफेक्ट टाइमिंग का, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, सारे कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, आप चाहे तो कार्ड्स के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप अपने डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, क्लिक करेंगे तो अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है ये कार्ड है आपका कंट्रोल योर थॉट्स का एंड स्टे फोकस्ड का कार्ड है। ठीक है, एंड थर्ड, अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, एंड जो आपके लिए कार्ड है वो है हेवेंस मैसेजेस। अब देखिए, हर एक कार्ड मैंने सफल करके लिए है और हर एक कार्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है जो कि आपको आपकी रीडिंग में डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए भगवान ईश्वर जी, जैसे वाही गुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आया है या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल परफेक्ट टाइमिंग कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। इसके लिए सभी को पॉजिटिव हो जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फैमिली मेंबर बन जाइए, और परफेक्ट टाइमिंग अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में तो लिख किसको क्लेम कीजिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी अ क्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है और दुनिया के किसी भी कोने में है और आपका दिल कर रहा है मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने का, तो देर किस बात की, जल्दी से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। ठीक है, आप ले सकते हो रीडिंग, और जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं जीमेल पे, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है और स्क्रीन पे भी मैंने शो कर दिया है। तो ये 4 कार्ड जो है डेफिनेटली डिसाइड करने वाला है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए कैसा एक्साइटमेंट भरा होगा, क्या चेंजेस होंगे। यहाँ पे मैंने कार्ड्स लिया है 4, और भी कार्ड्स मैं लूंगी ताकि और भी अच्छे से क्लैरिटी मिले। आपके अंदर जो एनर्जी शिफ्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चाहे आपका करियर लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या फिर मैरिज करना चाहते हो, कुछ भी। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ये वक्त, जो भी पाइल बन देख रहे हैं, ये वक्त है कर्मा रिलीजिंग का। ठीक है, कर्मा रिलीजिंग मुझे यहाँ पे ये क्लियरली बता रहा है कि अब आपका जो भी काम चल रहा था, जो भी आप वर्क कर रहे थे,
ठीक है, वो हो सकता है कि आपने बहुत लेट से शुरू किया या बहुत जल्दी कर लिए, लेकिन डिवाइन टाइम जब आएगा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको उसी वक्त मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वो वक्त आ चुका है नेक्स्ट चैप्टर में, और ये नेक्स्ट चैप्टर कब शुरू होगा, ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर ये नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप ग्रो करेंगे, आप फील कर पाओगे, जैसे कि छोटा सा कैटरपिलर होता है फिर वो बटरफ्लाई बनता है, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि अभी आप कैटरपिलर की एनर्जी में, और कुछ दिनों में ही 15-10 दिनों में ही आप वैसी एनर्जी में आएंगे जैसे कि आपके पास विंग्स हो, अब ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो डिवाइन टाइमिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ का आ चुका है। जैसे कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे प्यार करने वाला कब मिलेगा, मेरे सोलमेट मुझे कब मिलेंगे, मेरे ट्विन फ्लेम मुझे कब मिलेंगे, मेरी शादी कब फिक्स होगी, ऐसे ऐसे आपके मन में क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले ये है कि आपका डिवाइन टाइम आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग कमेंट में लिख लीजिए कि हाँ अब कोई दूरी नहीं, कोई देर नहीं, मैं अपने पार्टनर से मिलने वाली हूँ या मिलने वाला हूँ, या फिर मुझे मेरा जॉब मिल जाएगा और परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए ऐलान है, बहुत अच्छा मैसेज है। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, वाओ क्या बात है। देखिए, आपके पर्सनालिटी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव, बहुत ही बड़ा चेंजेस मैं देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो आगे आने वाले 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होगा। और ये ड्रीम आपका हो सकता है अथॉरिटी का, पावर का, स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप इसका एग्ज़ाम देने वाले हो ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है स्टेट पीसीएस यूपीएससी, तो आप क्लियर करोगे। ठीक है, इस बार क्लियर करोगे, और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, एग्ज़ाम हुआ आपका, फिर एग्ज़ाम हुआ, कुछ हुआ, इंटरव्यू हुआ, ये सब आप क्लियर एकदम स्मूथली करते चले जाओगे। और 9 मंथ्स के बाद आपके हाथ में, आपके पास, आपके लाइफ में पावर, अथॉरिटी, एक बहुत अच्छा जॉब होगा। ठीक है, और आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस 9 मंथ में आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेसिव एनर्जी होगी, अगर आपका लव बाउंडिंग भी है, प्यार भी है, तो वो भी बहुत प्रोग्रेसिव होगा। ये सब मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले 9 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है आपको टाइम नहीं मिल पाता था अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो अब वो भी मिल रहा है, केयर फ्री टाइम होगा, आप सभी की केयर कर रहे हो, फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हो, आपके लोग केयर कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स आपको ये बताता है, सबसे पहली बात, आपकी विशेस फुलफिल होंगे, ये विश पैसा का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, किसी भी तरह का विश हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी विश मुझे दिखाई दे रहा है आपका कि अ लव ऑफ लाइफ, सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो प्यार करे, समझे, सपोर्ट करे, और शायद अभी तक वो इंसान आपको मिले नहीं है। हो सकता है 9-10 जितने भी लोगों को आप देख लिए हो, आपने हो सकता है रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपके जो किस्मत में लिखे हैं वो तो आपको मिलेंगे एट एनी हाउ। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि 9 मंथ्स के अंदर अ लव ऑफ लाइफ, आपके लाइफ के जो प्रिय पर्सन है, जो सच्चा प्यार करने वाले हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। और साथ साथ ये 9 ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है कि आपका स्मूथ हो रहा है लाइफ, बहुत स्मूथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि सभी को अपने लाइफ में क्या चाहिए, शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, उनके साथ कोई धोखा ना करे, और फ्यूचर में जो भी आए एकदम रिच हो, रिचनेस की एनर्जी हो। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करना, पास्ट को भूल के, तो आप अभी कमेंट में होपोनोपोनो प्रेयर करके सारे पास्ट को रिलीज कीजिए। आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी गॉड, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, जो आप मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दिए हो, मुझे बॉडी दिए हो, ह्यूमन में मैं जन्म लिया हूँ या जन्म ली हूँ, एक बहुत बड़ी बात है, इसको रियलाइज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पास्ट को 13 डेज के अंदर रिलीज़ करेंगे, और जो भी ऐसा प्रॉब्लम आपके हाथ में पड़ा हुआ है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ये काम क्या है, आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है, आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो आपके फ्यूचर को बहुत रिचनेस से भर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे पहले गाइडेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं परफेक्ट टाइमिंग, आप चाहते हैं बहुत सारा रिचनेस, पैसा, धन दौलत, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सारे पास्ट की एनर्जी को भूल के आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वाओ बहुत बहुत ही अच्छा है, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपका जोडिक साइन है, वैसे तो सारे ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में जब इंटर करेंगे तो कैसे होगा नेक्स्ट चैप्टर एक्साइटमेंट भरा। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं, सबका एक ही पर्पस है, हो सकता है ये आपके कंपटीटर भी बन जाए, लेकिन दोस्ती ये भी जो लोग भी रहेंगे आपके साथ कंपटीशन करेंगे, इन लोगों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये लोग चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हम लोग साथ में ग्रो करें, हम लोगों का फ्रेंडशिप ना टूटे और कंपटीशन ना बने। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जॉब लगेगा, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली में है, फ्रेंड्स है, भाई बहन है, जो भी है, सबका एक ही बार जो है किस्मत खुल रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रही है, ज़िंदगी बदल रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड
बता रहा है कि एक्साइटमेंट तो बहुत होगा, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगा, इन्जॉयमेंट होगा। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है, थ्री ऑफ कप्स, जो कि सेलिब्रेशन को, पार्टी को और प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि 3 वीक के अंदर या 3 महीने के अंदर आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल जाए। ठीक है, पेशेंस थोड़ा रखिएगा, बहुत कुछ होगा। अब देखिए, आपके पर्सनालिटी में मैं चेंजेस देख रही हूँ, जैसे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा ब्रेव, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बढ़ रही है, लेकिन आप एकदम ऐसे रहोगे जस्ट आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज, किसी भी चैलेंज को मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे किसी ऐसे फील्ड में आप कदम रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अपना एनर्जी बहुत देना होगा, जहाँ पे आपको ब्रेव रहना होगा, लोगों के बीच में बातें करनी होगी, तो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, यस आईपीएस ऑफिसर, ये सब बन सकते हो आप। ठीक है, ये थ्री ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब बन जाएंगे, आपको जॉब मिलेगा, तो आपकी खुशियों में शामिल आपके जो दुश्मन थे वो भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास उस वक्त होगा रुतबा, पावर, पैसा, तो जब ये होगा तो अच्छे अच्छे लोग आपके सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो रिलेटिव आपकी शादी कराने की बात करते हैं, जो रिलेटिव आपका भला होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, उनका भी हो सकता है दिल पिघल जाए, या दिल ना भी पिघले तब भी उनको नज़र झुकाना पड़ेगा आपके सामने, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओ माई गॉड, सारे ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, एंड वॉन्ट्स की एनर्जी है, ये वॉन्ट की एनर्जी ये बता रही है कि समय आ चुका है, वक्त आ चुका है कि आप अब अपने प्लान पे इम्प्लीमेंट कीजिए, वर्क कीजिए। ठीक है, जो चीज़ें चाहोगे वो चीज़ें मिलेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आ रहा है, जैसे कि जिससे आपने पूरी उम्मीद खो चुकी थी। ठीक है, जैसे कि किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, आपको वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, बहुत 2-3 महीने के बाद अब जाके आपको रिस्पांस मिल रहा है 1 वीक के अंदर, और ये रिस्पांस आपके लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। ऐसा हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट हो जाए आपका, फॉरेन में जाके आपका जॉब हो जाए, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके लाइफ के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन लेना। अब फैमिली ओरिएंटेड हो ये क्लियर है, लेकिन उसके साथ साथ अभी के टाइम में आपको करियर पे और अपने विजन गोल पे ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपके अंदर ये पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि आप दुनिया में जो भी चीज़ें चाहते हो वो हासिल कर लोगे, थोड़ा सा एक्शन लेना है, एफर्ट थोड़ा बहुत लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, कुछ बिजनेस, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, रेस्टोरेंट हो गया, स्कूल हो गया, कुछ भी, तो यहाँ पे ये परफेक्ट टाइमिंग है। 7 डेज के अंदर आप अपना बिल्कुल पूजा पाठ करके, जो भी आप प्रेयर करके अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। अभी के टाइम से अगर करोगे तो आगे आने वाले 7 मंथ के बाद हार्वेस्ट, ठीक है, अब गेहूं लगाया है तो गेहूं ही होगा, वो होगा ये डेफिनेटली, अगर अच्छे से लगाया तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग और भी इम्प्रूव हो रही है, और जो भी आपकी गोल्स है, विजन है, कंप्लीट होंगे 3-4 गोल विजन, तो ऑफकोर्स आप चाहोगे कि और भी ऐड हो, तो आप और भी अपने बकेट लिस्ट में जो भी गोल है, विजन है, उसको ऐड करते जाओगे। ठीक है, एक्शन लोगे ना, आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, ऐसी वाली एनर्जी आपके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपका है, ओह माय गॉड, द इम्प्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको एकदम काबू में कर लोगे, किसी को भी चाहे तो कंट्रोल में कर लोगे, एक बहुत लग्जरियस लाइफ ये कार्ड जो है इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपको रॉयल जैसा, आपको बहुत क्लासी जैसा या फिर लग्जरियस लाइफ फील होगा, और वो मिलेगा इसलिए तो फील होगा, है ना। तो इम्प्रेस की एनर्जी ये भी बता रही है, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आने वाली है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे, वैसे जगह पे जहाँ पे आपको रानी बनाकर रखा जाएगा, जहाँ पे आपको प्रिंस की तरह, प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इम्प्रेस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ अब बहुत ज़्यादा सुविधा में आने वाली है, बहुत रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, प्रिविलेज लेडी बनते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे आराम सा सोफ़ा है, गद्दा सा, एकदम आराम से बैठ गए, सो गए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वैसा आपका केयरफ्री टाइम आपको मिलेगा, और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, तो इम्प्रेस कार्ड आपको ये बताया, एंड देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, 10 ऑफ एरियल, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि कोई ना कोई ऐसा मेरे लाइफ में आए, जैसे मैं हूँ वैसे ही मुझे वो एक्सेप्ट कर ले, ये मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, और आपको साथ साथ प्यार भी करे, आपके विशेष को भी फुलफिल करे, आपके लिए प्रोटेक्टर प्रोवाइडर बने, यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, और बहुत ग्रेटफुल टाइम आपके लाइफ में आएगा, बहुत ग्रेटफुल रहने वाले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपसे प्रॉमिस किया है बहुत पहले, और वो प्रॉमिस हो सकता है तोड़ के चले गए, या फिर किसी कारण की वजह से वो प्रॉमिस नहीं निभा पा रहे थे, तो वो इंसान वापस से आपके लाइफ में आ रहा है, और
वो प्रॉमिस निभा रहा है। ठीक है, सभी का अपना एक डिवाइन टाइम होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि आपका डिवाइन टाइम अभी नहीं था, 10 दिन और 15 दिन के अंदर डिवाइन टाइम खुल जाएगा। आपको आपके लव लाइफ वाले पर्सन भी मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 10 दिन के अंदर आपको एक मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, ये ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे मिलने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर रिलेटिव की तरफ से भी ये प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। और जो प्रपोज़ल मिलेगा वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे, और जहाँ आपकी शादी फिक्स होगी, रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली में आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखते हैं और भी कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। ठीक है, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को, नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स का। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि किसी की झूठी बातें, ठीक है, किसी का जैसे अपने चेहरे पे पर्दा डाल लिया हो, इंश्राउडेड कर लिया हो, ठीक है, वो चीज़ जो है बिल्कुल उससे पर्दा उठने वाला है। मतलब आपके कोई अपने ही करीबी आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चलने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मैंने बता दिया 2-3 दिन या 10 दिन 15 दिन। स्टार ब्रदर, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा आपका लॉयल पर्सन है, कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, वो हो सकता है कि इस इंसान का, जो धोखेबाज इंसान आपके लाइफ में आपका फ़ायदा उठा रहा है, इसके बारे में आपके सामने पोल खोलने वाला है। ठीक है, और कौन आपके ब्रदर, आपके भाई बहन, इस इंसान का जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, जो आपके कार्मिक है, इसका ये पोल खुलने वाला है। ठीक है, कि ये सच में सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं या किसी और के साथ भी इंगेज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके कुछ ब्रदर, भाई बहन या कज़न हो या कुछ भी हो, सिबलिंग्स नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपके जो दोस्त यार होंगे जिसे आप भाई मानते हो, लेकिन ज़्यादा अपने खून के ब्लड लाइन जो होते हैं, भाई बहन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और आगे से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई बहन के साथ जो आपका रिश्ता इम्प्रूव होगा वो हमेशा रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, लॉयल्टी और सेफ्टी, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में आ सकते हो। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, अर्थ स्कूल, देखिए यहाँ पे आपको जितना स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, इंस्टीट्यूट जाना था, आपने कर लिया। अब आपका वक्त आ चुका है अपने लाइफ के लेसन्स को सीखने का। वो लेसन है सोल ग्रोथ, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आपकी सोल की एकदम फुली ग्रोथ होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एक अलग सी ऊर्जा होगी आपके अंदर, नई ऊर्जा का संचार होगा। जैसे कि आप ऐसा सोचेंगे कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं अपने आप को भी अपने से अलग करके देखता हूँ या देखती हूँ, ऐसी आपकी एनर्जी होने वाली है। आप अपने आप को वैसे नहीं देखेंगे कि मैं हूँ। ठीक है, जब आपने आपको आईना में देखेंगे तो सोल आपकी जो है आपकी बॉडी को देखेगी, वैसा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि आपका सोल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, सोल ग्रोथ हो रहा है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि स्टडी भी आपकी कंटिन्यू हो रही है, पढ़ाई भी आप अपना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, किसी कारण की वजह से आपका जॉब छूट गया, रिजेक्ट कर दिया गया, किसी चीज़ में छट गए इंटरव्यू में, एक दो मिस्टेक से, एक दो नंबर से, तो वो इस बार नहीं होगा। आप स्टडी करोगे, आप मन से पढ़िए। अगर आपके मन में सवाल है अभी बिजनेस करूँ या स्टडी, स्टडी आपके लिए अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपको हायर लर्निंग मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, है ना। और फिर जो काम फिर करने जाओगे, चाहे बिजनेस से ही रिलेटेड हो, वो और भी बेहतरीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि फॉरेन भी सेटलमेंट हो रहा है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है कि मैं फॉरेन जाके या दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई करूँ, तो ये पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। हायर लर्निंग जो आपका रुक गया था, वो हायर लर्निंग फिर से कंटिन्यू होगा। अब देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है लॉस्ट लैंड्स। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल के दोस्त फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज के होते हैं, कुछ ही दिन तक साथ रहते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज टाइम, उसके बाद कुछ बातें होती है, फिर ख़त्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पुराना इंसान, कोई डिस्टेंट, कोई दूर का फ्रेंड, स्कूल कॉलेज का भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा है जिसको आपने बहुत ज़्यादा डांट फटकार दिया था, वो आपकी लाइफ से चला गया, उस पर्सन की एंट्री मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब आपकी जो मेमोरीज़ है पास्ट टाइम की, इसी जन्म की पास्ट टाइम की, जो इंसान आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते थे या फिर कभी धोखा ही दे दिया उसने, तो वो इंसान की एंट्री हो सकती है। और क्यों होगी? क्योंकि वो अपने मन में या दबाए बैठे हैं कि मुझे इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए था, मुझे एक बार माफ़ी मांग लेना चाहिए, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने को आ रहे हैं। ठीक है, आपके तरफ बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में आपका बर्थडे आ जाए, ठीक है, 10-15 दिन के बाद या 10-15 दिन के अंदर। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई पुराना मेमोरीज लेकर आपके सामने आ रहा है और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि आपके यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्या अवेयरनेस है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स को आपको थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा।
देखिए, आपको बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग आइडिया आपके सामने रख देंगे, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि आपका फोकस इधर उधर हो जाएगा। इसलिए आपने जो काम को चूज़ किया है उसको ध्यान से कीजिए, जिसमें आपका ट्रूली डिज़ायर हो वही आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। अपने थॉट्स को आपको एनी कॉस्ट कंट्रोल रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई आपको मैनिपुलेट करने के लिए आया और बोल दिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आप तो बेवकूफ़ बन जाओगे। इसलिए पहले ही बता दिया जा रहा है कि एक शील्ड क्रिएट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है और मन में ये सवाल चल रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं, मेरे छोड़ने से पहले हो सकता है ये मुझे ही छोड़ दे, ठीक है, ऐसा सबके मन में सवाल चल रहा है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना आप गिव अप कर रहे हो और ना आपके पर्सन गिव अप करेंगे, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, चेयरफुल एनर्जी है, वो हील होगी, ठीक है। एक दूसरे को माफ़ करके आपका लव जो है थ्राइव करेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, गेनिंग मोमेंटम। तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेंज इज़ कमिंग, नेक्स्ट चैप्टर में एक ज़बरदस्त चेंजेस होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर 7 डेज़ के बाद शुरू हो जाएगा, जिसमें कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, जॉयफुल टाइम आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये चेंजिंग कैसे होगा और मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। 9, 7, 31, ये सब डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके मन में किसी को भी लेकर अगर जेलस की भावना थी, वो सब आपकी जेलस की भावना, वो सब चीज़ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और हाईली इंट्यूटिव पर्सन अब बन रहे हैं, ठीक है, एनर्जेटिक आपके अंदर फ्रिक्वेंसी आते हुए दिखाई दे रही है। एक आगे यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, योर लव वंस आर सेफ। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, जिसको लेकर आप खुद परेशान हो जाते हैं, आप उसको सुखी देखना चाहते हैं, हैप्पीली देखना चाहते हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि उनको कुछ नहीं होगा, वो बहुत सेफ है, चाहे आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो, वो सब लोग बहुत सेफ है, सुरक्षित है। और किसी बात का फियर मत रखिए, फियर रखोगे तो ओवर थिंकिंग होगा और ओवर थिंकिंग होगा तो चेंजेस से दूर भागोगे, ठीक है। तो चेंज आपके लाइफ में कैसा हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये आपको क्लियरली यहाँ पे पता चलेगा। पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, लाइन हो जाइए, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए, ठीक है। फर्स्ट ओके, पर्सनलिटी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है जीमेल एंड स्टाइडी के थ्रू, स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, जेन्युइन लिंक पे पहुंच जाओगे अगर आप क्लिक करेंगे स्टाइडी को तो। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक कार्ड और, सबसे पहले यहाँ पे आपका है वाओ, बहुत पैशनेट, बहुत चार्मिंग और ब्रिलियंट पर्सन बन रहे हो और आपको यूनिवर्स खुद एक गाइडेंस देना चाहते हैं। तुम अपनी लाइफ में जो भी चाहती हो तुम उसको हासिल कर सकते हो या कर सकते हो, कि तो फिर तुम्हें अपने इस इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे यहाँ पे ऐसा सोल पर्पज़ सा दिखाई दे रहा है आपका, कि आप तो पहली बात अपने लिए जो चाहोगे वो कर लोगे और आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप दूसरे लोगों की भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मुझे शुरू से ही लग रहा है कि आपका कोई ऐसा ड्रीम है, सपना है, ऐसे फील्ड में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, उसके बाद ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप आपका डेवलप हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हर एक लोगों के साथ आ रही है। आप वो इंसान है जो कि हर दिन का प्लान नहीं करते हो, डिटेल प्लान नहीं करते हो, एक ईयर का प्लान नहीं करते हो, बस लाइफ में चलते हो क्योंकि आपका अच्छा चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लाइफ को थोड़ा डिटेल प्लान करके चलेंगे ना, चाहे 5 दिन का ही हो, तो आप देखोगे कि आप बहुत ग्रो हो गए, ठीक है। तो ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, लाइफ जो है ना ये ग्रोथ का है, ठीक है, ग्रोथ का है, ग्रोथ करना चाहिए। और यहाँ पे कोई बहुत काइंड पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, जो कि बहुत फ़नी भी है, हंसा भी रहा है, आपको खुश भी रख रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, भगवान मांग के आपको, आपकी पूजा कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, प्यार करना एक तरीके से उनके लिए पूजा है। तो कोई ऐसा आ रहा है, अच्छा सा प्यारा सा मासूम सा पर्सन, ठीक है। देखिए, मैंने आज एक और रीडिंग डाला है, वो ये है कि फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट मीटिंग, ये सब कैसा होगा तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, 10 डेज के अंदर, मतलब आपके नेक्स्ट चैप्टर में न्यू बिगनिंग आप नोटिस कर पाएंगे। आप देखेंगे कि मैं इतनी लकी कब से हो गई, मैं इतना लकी कब से हो गया, ऐसा वाला आपको फीलिंग आने वाला है, ठीक है। और जितने भी डिलेज हैं, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस, एक ऐसा बदलाव आपके लाइफ में हो रहा है जो कि आपको ऑफर करेगा जॉयस अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस। जैसे कि अगर आप चाहते हैं अभी कोई प्राइवेट जॉब वगैरह करना, तो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो यहाँ पे आपका ओ माय गॉड स्टार एंड किंग ऑफ एरियल, सक्सेसफुल, स्टेबल एंड पावरफुल पर्सन आप बनोगे, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सक्सेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ज़्यादा
ठीक है, जो रीडिंग हुआ है उसमें आपका प्रमोशन, फाइनेंशियल सक्सेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कुछ लोग नेम फेम भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, ठीक है। और ये स्टार की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके ड्रीम, कोई एक बहुत बड़े ड्रीम ज़रूर पूरे होने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर देगा, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव के साथ आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके मन में कोई भी होप है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, लेकिन होता ना कि लाइक भुला जाते हैं, भूल जाते हैं, सोचते हैं कि काश वो होता, तो वो चीज़ पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड है, एंड डिवाइनिंग डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी परफेक्ट टाइम है, देख सकते हो, यहाँ पे भी डिवाइन टाइम है। ऑलराइट, सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपके मन में किसी भी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, ठीक है, अपने सर पे हाथ रखे बैठे हुए थे, तो उसका डिवाइन टाइम आ गया है, और डिवाइन टाइम 15 डेज के अंदर। स्ट्रेंथ और हिम्मत रखना है, और इस तरीके से गाइडेंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ तो आप अपने अंदर विल पावर से पैदा करेंगे, गाइडेंस देख के, रीडिंग देख के। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो आपको टैरो रीडिंग से मिलेगा, इसलिए मैं बोलती हूँ फैमिली मेंबर बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एंड ये एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल होगा। और क्या एक्सपीरियंस होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन और ब्लेसिंग अबंडेंस आपके लाइफ में बरस रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हो, जैसे कि अगर आपका वेट बहुत है तो वेट लॉस कर रहे हो, वेट बहुत कम है तो वेट गेन कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है, फील होने वाला है। यहाँ पे कुछ अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, आई नर्चर माई सेल्फ, आई एंजॉय हेल्दी फूड, माई डाइजेस्टिव सिस्टम अप्रिशिएट द स्टेप आई टेक टू द बैलेंस माई इमोशंस, ठीक है। आई एंजॉय हेल्दी फूड, ये सारे अफर्मेशन है, मतलब आपका इमोशंस बैलेंस होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, वो है आपका दिस वन, न्यू रिलेशनशिप के लिए क्या आप रेडी हो। यस, न्यू रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पूछना चाहते हैं यूनिवर्स, आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। तो कमेंट में सभी लोग अगर चाहते हैं तो यस लिखिए, या फिर अगर आप ये चाहते हैं डू यू विश टू इम्प्रूव योर करेंट रिलेशनशिप, तो यहाँ पे आप यस या जो भी आपका दिल करे लिखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई लविंग रिलेशनशिप आ रहा है, डेवलप हो रहा है करेंट रिलेशनशिप भी, ठीक है। इक्वल एनर्जी दिखाई दे रही है, 50-50, लाइक सिंगल्स के लिए कोई आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें रोमांस इनकरेज हो रहा है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिए, माय हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माय लाइफ, ठीक है। इससे क्या होगा कि और करीब हो जाओगे, कल्टिवेट करने लगोगे वो प्यार, वो फ्रेंडशिप, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। पाइल वन, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पर्सनल आईडी के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल आईडी ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी ले सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल टू, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को। स्टे फोकस्ड, ठीक है। देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, अगला नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा आपके लाइफ का, और कैसे ये एक्साइटमेंट भरा आपके लाइफ में हो सकता है। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, क्योंकि मैं आप सभी के लिए कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, और फैमिली फ्रेंड्स बन जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या चेंजेस होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। फर्स्ट देखिए, पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनलिटी ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ठीक है। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक क्लिक करेंगे तो जेन्युइन लिंक इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स दिए हैं, मैं और भी कार्ड्स देती हूँ और आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि क्या बदलाव, क्या नेक्स्ट चैप्टर आपका होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट देखेंगे कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या गिफ्ट सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसके थ्रू भी 4 कार्ड्स ले लिए हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत है, मतलब आपके लाइफ में आपको बहुत सारे लोग जो है आपके राह से ही डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि आपके लुक्स को लेकर जेलस फील करते हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, लग्जरियस हो सकता है, या फिर मम्मी पापा का, पेरेंट्स का प्यार, भाई बहनों का प्यार, सब कुछ है आपके लाइफ में, और हो सकता है इस चीज़ को देखकर कोई जेलस फील करता हो। और ऐसा कोई इंसान हो सकता है इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसा कोई आ सकता है और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पढ़ाई से आपको भटकाने की कोशिश करेगा, ठीक है। या फिर आपका खुद ही आपका थॉट्स जो है ना वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप कभी भी किसी चीज़ को लेकर वर्क कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन बताने दीजिएगा। पहले ही एकदम फोकस्ड हो जाना है कि हाँ मुझे यही करना है तो मुझे यही करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग राह में आएंगे, आपको आपके पैर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको डीमोटिवेट कर देंगे कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तो ये बहुत बार करके देख चुका हूँ या करके देख चुकी हूँ। तो आपके सेम जेंडर के ही होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे स्पेशली। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन जो है उस पर ध्यान रखना होगा। और अभी के टाइम में आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, वर्क नहीं कर पा रहे, तो आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है। और सिंपली यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं, कंट्रोल योर थॉट्स एंड एक्शन टू हेल्प यू स्टे फोकस्ड। आपके थॉट्स, ठीक है, और आपका एक्शन ही आपको फोकस बना के रखेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई बहुत ब्यूटीफुल सा इंसान आ जाए लेकिन उसकी एनर्जी डेविल की है, तो अपने उस समय थॉट्स को कंट्रोल रखना होगा ना कि मुझे ऐसे लड़के से बात नहीं करनी, मुझे ऐसे लड़के से बात नहीं करना है। तो ये डिस्ट्रैक्शन एक तरीके से स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है, और स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिडक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब डी स्ट्रेस कर रहे हो अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक रूटीन बना सकते हैं और उस शेड्यूल को आप फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा रेस्ट की और रिचार्ज होने की और अपने लाइफ को रिव्यू देखने की ज़रूरत है कि मैं अपने लाइफ में अभी तक क्या की हूँ और मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहला यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। कुछ चीज़ें अपने अंदर आपको चेंज करनी ही होगी क्योंकि लोग आपका सॉफ्ट एनर्जी देख के, काइंड हार्टेड आपको देखकर आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो, तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कोई आपको बहुत बड़े पैमाने पे धोखा दे दे, उस समय से आप एकदम सतर्क हो जाओगे। और मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है और ये बहुत एक्साइटिंग होगा, आपकी लाइफ को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा, है ना। तो कैसे बदलेगा, क्या एनर्जेटिक चेंजेस होंगे, सबसे पहली बात तो आप बहुत स्ट्रांग वुमन या मैन जो भी है बन जाओगे। उसके बाद बहुत सारा करेजियस एक्शन लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको वैसे लोगों के साथ भी मन लगने लगेगा जो कि फ़नी हो, इंजॉयमेंट सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा क्योंकि हॉट टेम्पर्ड की एनर्जी आपकी हो सकती है डेवलप। साथ साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपका जॉब से रिलेटेड ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है, बाहर फैमिली फ्रेंड्स का नहीं होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका घर परिवार को छोड़ के ऑफिस प्लेस पर बढ़ सकता है, ठीक है, जो कि आपके पर्सनालिटी में आपको डेवलप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं और ये एक तरीके से गाइडेंस भी है। अगर आपने सोचा नहीं है तो आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, इससे होगा आपका किस्मत चमकेगा, बड़ा होगा, लाइफ चेंज होगा। ये एक तरीके से लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं, चैरिटी करना। तो एक तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत बिजी रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी आप काम करोगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि शायद किसी से आपका झगड़ा हो गया है, आप उस पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हो, ठीक है, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो फुल ऑफ एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है उस रिश्ते में, उस पर्सन के साथ आपका जो भी रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे बनोगे। तो आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो कि अबंडेंस ऑफ एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन एकदम आपके अंदर भर भर के उभरेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जैसे आप उनके लिए फील कर रहे हैं, वैसे वो इंसान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, उनके अंदर भी मतलब लाइक बहुत ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी आपको लेकर है, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, हर चीज़ है। तो यहाँ पे आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ये है कि आप एक ब्रिलियंट मल्टीटास्कर पर्सन बन रहे हैं। आप जो है बहुत गुस्सैल भी हो सकते हैं, बहुत क्योटिक हो सकते हैं, तो इसलिए अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो फिर अफसोस आपको होगा इसलिए। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई, ओह माय गॉड दैट्स ग्रेट। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा उजागर होने वाली है, एनर्जेटिक, स्ट्रांग,
ठीक है, ये चीज़ होगा। अब देखिए, सन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि 19 डेज के अंदर आपकी लाइफ वंडरफुल हो जाएगी, ठीक है। लाइफ वंडरफुल होगी, थिंकिंग अच्छा होगा, ठीक है, थ्राइविंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ऐसा हो सकता है कि आपकी एक सक्सेस स्टोरी बन जाए इन द आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब सक्सेस स्टोरी बनेगा तो लोग जो है आपको देख कर इंस्पायर होंगे, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपको कुछ पावर पोजीशन भी मिल सकता है, या फिर वो पावर मिल सकता है कि आप पॉजिटिव सोचते रहे और पॉजिटिव सोच सोच के कुछ भी हासिल कर लो। मतलब ये कार्ड जो है ना सिंपली बता रहा है कि आप बहुत फ्लोरिश होने वाले हैं, फ्लोरिश आपकी लाइफ होगी, आप जो है वेल्थ में आपका बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गोल के लिए आप कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा है कि आप ड्रीम तो देख रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो यहाँ पे वो मोटिवेशन, वो रीज़न आपको मिल रहा है कि आप अपने लाइफ को में कुछ करें और हीरो बने, एम्प्रायर बने। तो यहाँ पे वो चीज़ है, सबसे पहले कोई काम करने से पहले एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आप वो एक दिन से ही शुरू कर रहे हो क्यों ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, 11:11 टाइप कीजिए। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी है दुखी, शुरू से ही लग रहा था, देखिए आ भी चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद आप दुनिया से बचना चाह रहे हो, ठीक है, अपना टाइम जो है अपने अकेले स्पेंड करना चाहते हो, किसी से बात नहीं करना चाहते हो, फ्री हो जाना चाहते हो, ठीक है, दूर कहीं चले जाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये फोर ऑफ सोर्स जो है ना, ये नहीं बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बल्कि जो आपकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं उस परेशानियों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपका जो मेंटल स्टेट है वो मतलब लाइक बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपको प्रताड़ित किया, परेशान किया, तो उस चीज़ से आप फ्री होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस, जैसे कि क्या क्या पॉइंट है मैं आपको क्लियर बता दूंगी तो समझ में आएगा। सबसे पहले लोनलीनेस, आपके लाइफ में लोनलीनेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ठीक है, मतलब इतना सारा लोनलीनेस है, सॉलिट्यूड में हो, अकेलेपन में हो, कहीं भी जाते हो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, ठीक है, और क्या करोगे ऐसे में सोच रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये जो टाइम है निकल चला जाएगा। और यहाँ पे रिलैक्सेशन का कार्ड है ये, ठीक है, जो आप वर्नेबल एनर्जी है आपकी, मेंटली वर्नेबल, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो आप, किसी की बात में आ जाते हो, ठीक है, इसी वजह से आप एग्जॉस्ट होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि अब मुझे किसी पे ईजली ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो घर के ही क्यों ना हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ थेरेपी की ज़रूरत है, थेरेपी ले सकते हैं, हो सकता है बॉडी पेन है तो उसके लिए आप मसाज ले सकते हैं, ये सब मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेडिटेशन तो डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, वाओ, सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आपके साथ ऐसा बुरा हुआ और बाकी सारे लोगों के साथ नहीं हुआ, इट मीन्स कि आप कुछ स्पेशल करने के लिए बने हो, आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, मतलब उससे इंस्पायर हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली ये है कि आप डरते हो अकेले रहने से, ठीक है, तो उस कमी को कोई पूरा कर सकता है आपकी लाइफ में आके, या फिर ऐसा हो सकता है डरोगे नहीं, अकेले ही ज़िंदगी को जीने का फैसला कर लोगे, फ्यूचर में मिलेंगे वो एक अलग बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जू, सेंचुरी वगैरह बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, या फिर कोई होली प्लेसेस, या फिर कोई नेचुरल प्लेस पे आप जा रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में। तो फाइनली रिलैक्सेशन, रेस्ट, पीस, शांति, ठीक है, जो आपको अपने लाइफ में चाहिए वो आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, आपके साथ हमेशा, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मतलब हो सकता है आपने मैनिफेस्ट भी किया हो या फिर कुछ ना कुछ प्लानिंग किया हो, प्रेयर किया हो, उसका उल्टा हुआ है, क्यों हुआ है इसका रीज़न मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है, अपना बता दीजिएगा कि हाँ मेरे साथ हुआ है। तो रीज़न यहाँ पर ये है कि आप कॉमन है नहीं, आप डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए आपको हो सकता है इतने दर्द मिल रहे हैं, इस दर्द के बाद आप और स्ट्रांग होंगे। तो कैसे होंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझ आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता, ठीक है, कुछ लोग होते हैं लेकिन मिल जाते हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे, आपके सक्सेसफुल होने के बाद। इसलिए आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे। रिलेशनशिप में भी वैसे ही कोई धोखेबाज मिले तो अब जो है उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहते। उसके बाद यहाँ पर आपकी एनर्जी है पेज ऑफ सोर्स,
ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि अब आपको थोड़ा सा वॉरियर बनना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता हो, आपके घर में ही किया जाता हो, कोई ना कोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाता है, मे बी आपके घर में ही हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये गाइडेंस है कि किसी के सामने झुकना नहीं है, ठीक है, हमेशा एक्टिव रहना है। आपके अंदर एक अलग एनर्जी, जैसे बहुत ज़्यादा आप क्लेवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है आप एक डिटेक्टिव बन जाए, पुलिस ऑफिसर बन जाए, ठीक है। तो आपका इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान आपके वर्क में रहेगा, वर्क में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम करने से पहले आप बहुत सोचते हो, बहुत थिंकिंग करते हो, लेकिन इसमें यह दिखाई दे रहा है कि आप क्विक थिंकिंग कर रहे हैं, और जो क्विक थिंकिंग है वो एकदम परफेक्ट है, और जो आइडियाज़ आप दे रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, वो एकदम सही होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि काश वो भी मुझे इतना ही प्यार करता, वो भी मुझे इतना ही पसंद करती, वो भी मेरा इतना ही ख्याल रखता, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी आते हुए दिखाई दे रही है, जो बैलेंस लॉ है वो आपके लाइफ में अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, नॉलेज पढ़ाई ये सब करना चाहते हैं तो कर सकते हो। हाई एनर्जी माइंड होने वाला है, आपका जो भी आलसपन है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत अच्छे स्किल, बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। अपने आइज़ को ओपन ज़रूर रखिएगा, जैसे आप अपने आइज़ को ओपन रख के बड़ी चीज़ें कर रहे हो तो डिस्कस मत कीजिए किसी से, ठीक है, ये चीज़ है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि सिर्फ दिखावा किए हैं, जेन्युइन कंसर्न कभी नहीं दिखाए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको कोई पैम्पर करने वाला, प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, ठीक है, आपके लाइफ में आ रहा है, और उनका जो आपके लिए कंसर्न होगा, प्यार होगा, परवाह होगा, वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होगा। उनके एक्टिविटी से आपको समझ आएगा, पता चल जाएगा। और देखिए, आप बहुत बड़े चीज़ के लिए, बड़े चीज़ों के लिए बने हो, तो छोटे चीज़ों के लिए आपको सेटल नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है मैं बता देती हूँ। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम बिल्कुल फेरी जैसी हैं, एंजल जैसी हैं, ठीक है, और अपने लाइफ को उसी एनर्जी से चेंज कर सकते हो। जैसे इस लेडी को आप देख रहे हैं, तो ये किसी से हेल्प मांगने नहीं गई, ठीक है, इसने अपने लाइफ में खुद ही वो सारी चीज़ें क्रिएट कर ली जो उसे चाहिए थी। तो वैसे ही आप भी कर सकते हो, ठीक है। करियर में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, जॉब डेफिनेटली जो करना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, कर लीजिए, लेकिन मुझे बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब एक टाइम जॉब करने के बाद आप बिज़नेस भी करिएगा। उसके बाद टू ऑफ रफेल, ठीक है, रफेल आपको ये बता रहा है कि दो दिल मिल रहे हैं, ठीक है, मगर छुपके छुपके, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि आप प्यार करते हो सामने वाले को, उसने कभी भी आपके सामने अप्रोच नहीं किया, लेकिन वो भी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है आप मेडिकल फील्ड के, मन में चलता होगा कि पता नहीं ये मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे प्रपोज करेंगे या नहीं, हमारे बीच में कभी बात शुरू होगी या नहीं, या अगर बात होती है तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा या नहीं। तो यहाँ पे डोंट गिव अप, ठीक है, कभी गिव अप नहीं करना है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको समय देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन अगर आपको छोड़ गए हैं तो उनको रियलाइज़ होने वाला है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे वापस से तुम्हारे पास आना है, ये चीज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे है मैजिशियन की एनर्जी। मैंने बोला ना कि जो आप चाहेंगे वैसा आप अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्स खुद कहना चाहते हैं यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वॉन्ट, ठीक है, जो भी आप अभी चाहते हैं, जो भी आपकी नीड है, उसको आप पूरा कर सकते हो अपने टैलेंट से, ठीक है। बहुत शार्प माइंडेड हो, आपके अंदर बहुत सारे पावर भेजे गए हैं यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी आप लोगों को ज़रूरत है, कुछ लोगों को, तो ज़रूर लीजिए, ठीक है, डिस्काउंट चाहिए होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपने हेल्थ पे, दूसरा पॉइंट अपने मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको मतलब मीठा बोल बोल के बहुत ज़्यादा माइंड वॉश कर दिया है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जिस पे आप शक हल्का सा भी हो, उसे दूर हो जाइए, ठीक है, उससे अपना रिश्ता नाता तोड़िए। वेल, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी भरा रिलेशनशिप आपको मिलेगा, ये गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ठीक है।
सामने में किसी, मतलब अपने पेरेंट्स के सामने भी आप खुल के चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, नहीं डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन इस पर्सन के सामने खुल के डिस्कस कर रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है। समथिंग जो आपने पास्ट में खो दिया वो वापस से आते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रू लव, ट्रू ऑनेस्टी, ठीक है, वो सब आप रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में। इसलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। एंड देन यहाँ पर आपका है हेल्थ से रिलेटेड इशू खत्म होंगे। माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस, कमेंट में सभी लोग लिखिए माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है और बैलेंस में है, मैं एकदम शांत हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ, ठीक है। तो जो भी अभी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में इम्बैलेंस है, किसी भी एरियाज में, तो आप बैलेंस होंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट याद रखिए, जैसे आपको बैलेंस रखना है अपने इमोशन को, तो जर्नलिंग कीजिए, डायरी लिखिए, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज, हेल्दी कम्युनिकेशन बना के रखिए। आपके लिए मेडिटेशन और योगा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट लेकर आएगा, अच्छा साबित होगा, इसको करना चाहिए आपको अभी से। उसके बाद है एंजल ऑफ चेंज, चेंजेस तो बहुत हो रहे हैं, शुरुआत में वो चेंजेस हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन चेंजेस जो हो रहा है वो ब्रिंग कर रहा है बेटर लाइफ सिचुएशन। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा मेजर चेंजेस या मेजर चैलेंजेस भी फेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपने एनर्जी को रीडिंग देखते हुए ही प्योरीफाई करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर, आई एम फ्लूड, आई एम प्योर एंड क्लियर, ठीक है। और हो सके तो वाटर के साथ अपना इंट्रैक्शन बढ़ाइए, समर टाइम है, बहुत सारा पानी पीना है, ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ वाटर पीना है अपने हेल्दी बॉडी के लिए। अगर आप सोच रहे होगे कि मेरी बॉडी फिट एंड फाइन क्यों नहीं है, क्यों, क्या दिक्कत हो रही है, सब कुछ तो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप पानी जो है सही समय पर नहीं पी रहे और सही तरीके से नहीं पी रहे, ठीक है, ये चीज़ करना है। और आपको थोड़ा सा पानी के साथ अपना कॉन्टैक्ट जो भी है बढ़ाना है, जैसे बाथिंग 10 मिनट का है, 20 मिनट का है, तो 30 मिनट का कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके माइंड, बॉडी, इमोशंस सब डिटॉक्सिफाई होंगे। आगे आने वाले टाइम में कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, जैसे स्विमिंग वगैरह आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे और क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या हैंडमेड चीट्स मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले करियर से अगर परेशान है, करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो रामचरित्र मानस मंत्र कर सकते हैं, गेट योर हेल्थ इन ऑर्डर, आप अपने हेल्थ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका है क्रिएटिविटी अपने काम में ऐड कीजिए, ठीक है, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अकाउंटेंट आप बन सकते हैं इन फ्यूचर। देन यहाँ पे है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, यूपीएससी, पीसीएस क्लियर कर सकते हो और ये सब बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। देन यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के लिए एक लाफिंग बुद्धा अपने घर में रखना चाहिए, अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं आती है तो। और आप एक कुक एंड शेफ बन सकते हैं, ठीक है, पुअर पीपल को ब्लैंकेट दे सकते हैं, चादर कुछ भी दे सकते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए है मैसेज म्यूजिशियन, अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, गो फॉर इट। एंड देन यहाँ पे है गेट टू नो योर ऑथेंटिक सेल्फ, आपको किसी से भी मतलब कुछ भी बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन के लिए, सक्सेस के लिए आप जो है पीपल के पेड़ में पानी डाल सकते हैं मंडे टू मंडे, ठीक है। उसके बाद है अपने सेल्फ डाउट को किसी के साथ मत डिस्कस कीजिए, जो भी सेल्फ डाउट है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे हैं लव वन से, शेयर कर सकते हो, और किसी से शेयर करने से पहले अपने आप को समझिए। नर्स बन सकते हो आप, एक पोइट बन सकते हैं आप, और अपने आप को हील करने के लिए आप फनी वीडियोस देखें, टैरो रीडिंग देखें, जिससे आप हमेशा गाइडेड रहे, अपने नेल को पेंट कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ठीक है, अपने आप को अच्छा फील कराएं। मे बी इन फ्यूचर आप एक रनर और स्विमर बन सकते हैं, ठीक है, मतलब एथलेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। दूसरा यहाँ पे यह है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। होप आपको क्लैरिटी मिली है, पाइल टू समझ में आया है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। सो चलते, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी।
है ये पाइल थ्री, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल हेवेंस मैसेजेस कार्ड को। ठीक है, तो आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उसको कैसे डाउनलोड करना है मैं बताऊंगी अब। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर आप अपनी पर्सनल डे ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए है, प्लीज गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी, आपको बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स पाइल थ्री का, फैमिली मेम्बर्स का, माय ब्यूटीफुल एंजल्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये सारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ बड़ा कर रहे हो, जैसे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अपने हेल्थ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर देख रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो कार्ड है हेवेंस मैसेज आपको क्या बताना चाह रहा है, हेवन मैसेज ये कहना चाहता है कि आप बहुत चिंतित रहते हैं अपने फैमिली को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनको लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और हो सकता है परेशान रहने वाली बात भी है, हो सकता है उनका हेल्थ अप्स एंड डाउन्स होता रहता हो, तो इसलिए आप चाहते हैं अपने फैमिली मेक जो भी है उसको प्रोटेक्ट करना, फ्रेंड्स को। आप बहुत दयालु है, आप बहुत काइंड पर्सन है, तो आपका मन में सबसे पहले ये सवाल होगा कि क्या मेरे अगल बगल जो लोग हैं, मेरे पार्टनर हैं, क्या मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या सब सेफ है या नहीं। ठीक है, मेरे पेरेंट्स सेफ है या नहीं, सभी लोग यहाँ पे मुझे सेफ सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी से आपका बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो गया है, तो आप चाहते होंगे कि शायद मेरी गलती थी, का सब कुछ ठीक हो जाए, रियूनाइट हो जाए। तो यहाँ पे रियूनाइट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि अगर फैमिली फ्रेंड में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो सब ठीक होने वाला है। ठीक है, और फैमिली सब कुछ होती है तो वो चीज़ ठीक हो रहा है, आपके वेल विशर बहुत है, और उनमें से ही किसी से झगड़ा हो गया वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है आपके बॉस वगैरह, तो वो भी वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे, और आप आराम से वर्क करोगे। ठीक है, अपना वहाँ। सो सबसे पहले है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि क्या होने वाला आपके लाइफ में। सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ होने वाला, हो सकता है अभी तक रियलाइज़ ना हुआ हो, लेकिन ये रियलाइज़ होगा कि जो मेरे पार्टनर मुझे इतना टाइम देते हैं या मेरी फैमिली इतना टाइम देती है, यही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, ये चीज़ आपको फील होने वाला है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक मैरिड पर्सन है या डिवोर्स हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप जिसको बहुत प्यार किए जो पार्टनर है वो खो गए, चले गए आपके लाइफ से, तो यहाँ पे ये तलाश में है ये पर्सन, मैरिड या डिवोर्स या कुछ भी है, ये तलाश में है कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो कोई ऐसा इंसान जो है आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ गाइडेंस आपको देना चाहूँगी, आप अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे फ्रेश एयर 10 मिनट के लिए लीजिए, ठीक है, स्ट्रेचिंग कीजिए। ये सब क्यों मैं बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ ताकि आपको एक अच्छा इंसान मिले, आप उसको अट्रैक्ट करें, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में मैं जैसी हूँ, मैं जिस लेवल पे हूँ वैसे ही मिले कोई ना कोई। तो एग्जैक्टली अगर आप अपने आप को लेवल अप करेंगे, लिफ्ट करेंगे, वैसे तो ये लिफ्ट करेंगे ही आपको, लेकिन अपने आप को पहले से ही लेवल अप करे रहोगे तो ये बहुत अच्छा होगा, है ना। वैसे पर्सन को आप पाओगे, आपकी किस्मत में लिखा है, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको आपके सोलमेट मिलेंगे, और ये बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, कोई डोमिनेटिंग एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे इंसान होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पे फोकस करते होंगे, इनसे सीखोगे आप ये कैसे पॉजिटिव रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दिया, और क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, यहाँ पे खुद यूनिवर्स कह रहा है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे ये ड्रीम पूरे हो जाए, वो ड्रीम पूरे हो जाए, तो क्या आप उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इसलिए अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर आपको ऑनेस्ट रहना है और एक्सेप्ट करना है रियलिटी को। ठीक है, और सोर्स को, मतलब जो यूनिवर्स है उस पर छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप अपने छोटे से छोटे काम को भी, बड़े से बड़े काम को भी ऑनेस्टली कीजिए। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और फिलहाल के टाइम में आपको कुछ सेट करने की ज़रूरत है, गोल, ठीक है, विज़न, तभी तो आप मतलब उस चीज़ को क्लियर रखेंगे, तब आप उस पर वर्क कर पाएंगे। तो ये असली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, अपने विज़न को लेकर, अपने गोल को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने अगल बगल के लोगों को लेकर ऑनेस्ट रहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन आप और भी यंग, और भी ब्यूटीफुल, और भी हैंडसम, सब कुछ होते चले जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे
आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ है, शायद आप ना जानते हो। तो कभी भी आप शुरुआत करते हैं दिन का, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कुछ अफर्मेशन कीजिए, जैसे कि थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, क्योंकि बहुत सारे इस धरती पे लोग हैं जो कि नया दिन नहीं देख पाते, सूरज नहीं देख पाते, लेकिन हम सभी उठते हैं और एक नया चांस मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए। अगर एक दो अफर्मेशन मॉर्निंग का कर लोगे ना, सो के उठते हो ऐसे, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारे अफर्मेशन करने हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, चाहे तो आप कहीं लिख सकते हो जर्नल में। ठीक है, आई एम फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड, आई ग्रैटिट्यूड फॉर अनदर चांस टू लीव माई लाइफ। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया होगा आपके लाइफ में मोड, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ठीक है, लेकिन फिर से लाइफ ने आपको एक मौका दिया है, तो थैंकफुल रहिए। आई एम थैंकफुल सिंपली फॉर बींग अलाइव, सिंपली आप अलाइव हैं, हम सभी लोग अलाइव हैं, उसके लिए ही थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़िंदगी को जी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यस, यू आर करेक्ट, ओ माई गॉड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या मैंने इससे शादी करके कुछ गलत तो नहीं किया, या फिर सही सब सही है? तो इसका आंसर है यस, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने इस फील्ड में कदम रख के मैंने सही किया या नहीं, यहाँ पे जॉब ज्वाइन करके मैंने सही किया या नहीं? ऑफ कोर्स बहुत सही है, और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, कीप मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है। ठीक है, और बहुत यंगनेस, मतलब यूथफुलनेस की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, चाहे आपका कोई भी एज हो, आप और यंग एंड ब्यूटीफुल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको लोग ना क्वीन जैसा ट्रीट करने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट चैप्टर में, आप एक पेट रखोगे या फिर कोई बाहर का पेट ही आपके सामने आ जाए, ठीक है, कैट वगैरह, तो आपको उससे लगाव हो जाएगा, आप उसकी हीलिंग करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि अभी थोड़ा सा आपको एरोगेंट रहना चाहिए, एरोगेंट क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आए जो कि आपको डिस्टर्ब या डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, तो इसलिए आपको थोड़ा एटीट्यूड में रहना ही होगा, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, और आपको अपने लाइफ का बहुत ही बड़ा चॉइस करना का मौका मिल रहा है। ठीक है, मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ तो 11:11 है, इट मीन्स ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्टिलिटी का भी मैसेज है, ये फर्टिलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, और अपने लाइफ जो तीतर बीतर बिखर से गए थे, शैटर्ड हो गए थे, उस लाइफ को आप फिर से क्या कर रहे हो, फिर से बना रहे हो, फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपका लाइफ आपके हाथ में है। उसके बाद बी अ लाइट टू अदर्स, एक तो आप अपने आप को हील करोगे और दूसरों के लिए भी, मतलब आपका सोल पर्पस है कि आप दूसरों के लिए भी एक मसीहा, ठीक है, ये पावरफुल मैसेंजर बन सकते हो, लाइट बन सकते हो, उनके लाइफ को इनलाइटन कर सकते हो, ये पावर आपको दिया गया है। ठीक है, जो भी आपको अपने अंदर फील होता है ना, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, तो उस पर आप वर्क कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, द वर्ल्ड, ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका सपना हो सकता है बाहर जाने का, घूमने फिरने का, फॉरेन वगैरह, तो वो भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल इज़ परफेक्ट टाइमिंग, ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको अभी के टाइम में थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बस यूनिवर्स खुद आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपका एक्शन नहीं होगा तो कैसे, मतलब वो देंगे? जैसे कि अगर खाना आपके सामने है, ठीक है, तो आप बड़े भी हो, खाना तो आपको कोई खिला नहीं रहा, रखा हुआ है, शायद हो सकता है आपके घर में कोई ना हो, आपको खुद ही खाना है वो खाना, ठीक है, तभी आपका पेट भरेगा। एग्जैक्टली वैसे ही आपको भी थोड़ा सा हार्डवर्क, मेहनत करना चाहिए, सक्सेस आपके किस्मत में लिखा है। ठीक है, ये सारे कार्ड्स तो मैंने लिए, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, क्या इंकरेजिंग लविंग मैसेज है आपके लिए, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ कैसे मिलेंगे, क्या हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ। ओके, सबसे पहले यूनिवर्स ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अकेले हो, यू आर नॉट अलोन। आपको ये भी फील होता होगा कि मेरे साथ कोई नहीं रहता है, तो मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, शायद एक्चुअली आप सबसे डिफरेंट है, आप एक स्टार सीड है, इसलिए शायद आपका किसी के साथ मन नहीं लगता। ठीक है, या फिर लोग आपको समझ नहीं पाते, समझने की क्षमता भी तो होनी चाहिए ना, आप बहुत डिफरेंट हो, ठीक है, वो सब नहीं समझ पाएंगे आपको। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन आएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो बड़ी पिक्चर पर देखिए, बड़ा सोचिए, उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं,
मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, जैसे कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, आपका इनोसेंस किसी को बहुत ज़्यादा भा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है ऑलराइट स्लो डाउन, थोड़ा सा आपको अपने लाइफ में अगर बहुत रश कर रहे हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आपको नेचर में बिताने को कहा जा रहा है, ठीक है, रिलैक्स होने को कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन, ऑलराइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका ट्रैवलिंग होने वाला है, कोई ऐसे प्लेसेस पे, कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, वहाँ पे आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। रेस्ट अभी थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। वैसे क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। आपके लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि एक बहुत अच्छा जॉब, ठीक है, या फिर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी एनर्जी, दिस वन, ऑलराइट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया कि आपको आपका जॉब मिलेगा, और अगर जॉब मिल भी रहा है तो आपका ड्रीम जॉब आपको मिल रहा है, देख सकते हो, ठीक है, जिसके लिए आपने हद से ज़्यादा मेहनत कर लिया, अब वो पूरा होगा। उसके बाद क्या है एनर्जी आपकी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके, मैरिज विल टेक प्लेस। शादी भी बहुत सारे लोगों की हो रही है, नेक्स्ट चैप्टर में शादी फिक्स हो जाएगी, और आपका किस्मत भी चमकते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। सो और भी यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं, पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। सबसे पहले फोर्स अगेंस्ट वर्किंग अगेंस्ट यू, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आपके पीठ में चूड़ा घोंपने की कोशिश करें, या फिर आपकी बुराई करें पीठ पीछे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं दिस वन, किसी के बातों में बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, इम्बैलेंस हो जाएगा आपका लाइफ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लव बात अगर मान सकते हो तो अपने पार्टनर का मानिए, ये चीज़ है। और यहाँ पे आपके लिए है दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में एक एक्साइटिंग टाइम आ रहा है, और रीडिंग भी एक्साइटिंग नेक्स्ट चैप्टर का ही बात कर रहा है, ठीक है। तो यस, बहुत सारा एक्साइटमेंट टाइम आएगा, इन्जॉय करोगे दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, नेम फेम हासिल करने का मौका मिलेगा, और बहुत सारे प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्लैरिफाई कर लेते हैं, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डी ओ बी ओ मैरिज। उसके बाद एक और है, वो है आपका सक्सेस। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी है, हो सकता है न्यूली मैरिड है, अब ये सोच रहे कि मैंने इससे शादी की क्या हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा, मतलब कोई निगेटिविटी नहीं है, न्यूट्रल हो, बस जानना चाहते हो, देख सकते हो मैरिड लाइफ आपका सक्सेसफुल होगा, या फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। आपका यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अचीवमेंट भी हो रहा है, आपको अचीवमेंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा सोचते हो कि मैं मेहनत करती हूँ और मुझे नहीं मिलेगा फ्रूटफुल रिजल्ट, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप जो मतलब चाहते हो वो पा सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा वर्क तो करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले आप अपने लाइफ में वेल बींग अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लेसेस जगह चेंज कर रहे हो, लोग बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रहा है। उसके बाद डिवाइन टाइम तीन बार आ चुका है कार्ड, ठीक है, आपके लिए कि डिवाइन टाइम आ चुका है, तो फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे, वर्क कीजिए, ठीक है। बिना काम किए आप बोर फील करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कमी है वो डेवलप हो रही है। लिखिए आप, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़, आई एम करेजियस एंड शाइन माई लाइट ब्राइटली फॉर ऑल टू सी, ठीक है। यहाँ पे और मैं आपको बताती हूँ अफर्मेशन, ओके, शांति के लिए कर सकते हो, आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स एंड ऑल इज़ वेल, ठीक है। तो ये सब है, अगर हेल्थ इश्यू भी है तो ठीक होगा। विजुलाइज़ कीजिए, अगर आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है और ऐसा लग रहा है कि ड्रीम पूरा नहीं होगा, जैसे फाइनेंशियल बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस, बिजनेस करना नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको यही करना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक अफर्मेशन बोलूँगी करने के लिए, वो कीजिए, जैसे आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, मैं जो भी बिजनेस कर रही हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत फेवरेट प्लेस पे चला गया हूँ। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने फेवरेट प्लेस पे बस जाएंगे। आई एम फॉर्चुनेट, मैं बहुत किस्मती हूँ, एंड आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी, और जो भी मुझे मिल रहा है काफ़ी ईमानदारी के साथ, उन सारी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं और भी कार्ड्स के थ्रू मैसेज, ऑलराइट, पॉजिटिव रहिए,
पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन के शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पर पहुँच जाएंगे और किसी भी टॉपिक पर आप अपनी पर्सनली ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले वंडरफुल इन्विटेशन कमिंग योर वे। कोई ऐसा इन्विटेशन सोसाइटी में मिल सकता है जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेगा, स्पेशली लव लाइफ को। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में न्यू लव इंटरेस्ट आ रहे हैं, ये जो सिंगल है उनके लिए मैसेज है। ठीक है, ऑलराइट, जो मिंगल है वो मत सोचिएगा कि मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूं और नए के लिए वेट करूं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका रिलेशन अच्छा चल रहा हो, तो उस बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया, सिंगल्स के लिए है। वैसे विजडम की ग्रोथ तो सभी की हो रही है, पास्ट में जो आपने खोया वो आपके पास वापस आ रहा है, कोई खोया हुआ पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई ओल्डर पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहे हैं, आपके घर के हो सकते हैं, आपको वो गाइड कर रहे हैं कि कैसे अपने प्रॉब्लम से तुम मूव ऑन कर लो। ठीक है, तो उस ओल्डर पर्सन ने पूरा यूनिवर्स समा रहा है और आपको वो गाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है, बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ को सेल करना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया कि नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, और जिस जिस को रीडिंग चाहिए पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।